हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे BBM, KU, विनोद भावे यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटी झारखंड के उसमें के चलने वाले सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट हैं डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन का बात करेंगे और डिजिटल एजुकेशन जो सेमेस्टर 3 का है और हम लोग इसके यूनिट 2 का बात करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहले क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है और कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव इनपुट स्टोर्स एंड प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंटरेक्शंस एंड प्रोवाइड आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। सबसे पहले तो बात करें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो प्रोसेस करके वो काम करके हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम होता है कि कोई भी काम हम देते हैं वो हमें काम करके हमें रिजल्ट देने वाला। ठीक है, उसके आगे क्या रहता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइस क्या कह रहा है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। तो अगर शुरू अगर मेन मकसद बोला जाए तो कंप्यूटर का तो क्या होता था कि कैलकुलेट करना। ठीक है, हाउएवर मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू ए लॉट ऑफ मोर देन कैलकुलेट। अभी के समय में कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। नाउएडेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स, बैंक्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉप्स etc। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दिखा हुआ। ठीक है, कंपोनेंट्स है इसमें। फिर देखिए आगे क्या है, इनपुट आउटपुट। इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या करता है कि पहले हम लोग इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेस करके हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट आर कॉल्ड डेटा और आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब कंप्यूटर से हमें जो डेटा हम कैलकुलेट करके हमें देता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर ये बात देखिए क्या है कि सम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलो। कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए बेसिक पार्ट्स में क्या है, पहला बात तो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट्स में लिखा हुआ है कि डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या होता है, एक कीबोर्ड है और एक माउस होता है। कीबोर्ड और माउस क्या होता है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, यानी कि जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, जो प्रिंटर होता है और जो मॉनिटर होता है वो क्या करते हैं, हमें आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि वो हमें कोई रिजल्ट हमें शो करते हैं, रिजल्ट हमें देते हैं, इसलिए वे आउटपुट डिवाइस है। तीसरा देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में बात करते हैं दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे हम CPU भी कर सकते हैं। ठीक है, वेयर ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस टेक प्लेस। CPU में क्या होता है, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जितने भी अरिथमेटिक होते हैं, जोड़ घटा गुणा या जो लॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो सारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में है कि दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारा कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू कंट्रोल यूनिट। जितने भी पार्ट्स होगा कंप्यूटर के वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं और उससे जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद देखते हैं मेमोरी। मेमोरी जो होता है क्या होता है कि कोई भी टास्क कंप्यूटर में करते हैं वो सारे स्टोर होकर मेमोरी में रहते हैं। और मेमोरी भी दो टाइप का होता है, तो मेमोरी ऑफ मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, आगे देखिए एप्लीकेशन या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे हैं, तो इसमें कुछ एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, कंप्यूटर के फायदों की बात करने वाले। पहला देखिए, कंप्यूटर कैन डू सेम टास्क रिपीटिवली विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। हम कोई भी काम को बार बार, एक ही काम को हम बार बार सेम स्पीड से कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार कोई भी काम कंप्यूटर से हम करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। हम कितनों भी कंप्यूटर से काम करवा लें लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है या फिर कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है। तीसरा फायदा देखिए, कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क इन सेम टाइम। एक ही समय में कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे टास्क जो होते हैं, बहुत सारे काम एक ही समय में, बहुत सारे कैलकुलेशन एक ही समय में कर सकता है, इतना कंप्यूटर का कैपेसिटी होता है।
उसके बाद का पॉइंट देखिए, कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन इन इनक्रेडिबल स्पीड, यानी कि जो कंप्यूटर जो होता है कैलकुलेशन होता है, कोई भी जोड़ घटा गुना भागा जो भी कोई भी काम हो कंप्यूटर बहुत ओवर स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ तुरंत हमें स्पीड के साथ कैलकुलेशन करके हमें दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन स्टोर ए लॉट ऑफ टास्क इन कंप्यूटर मेमोरी, बहुत सारा जो टास्क होता है जितना भी टास्क हम कंप्यूटर में करते हैं सारा चीज़ को हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में उसका दोबारा यूज कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और कंप्यूटर मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। मेमोरी मतलब क्या होता है, मेमोरी मतलब होता है कि याददाश्त करना, जहाँ पर हम सारा चीज इंफॉर्मेशन फोटो वगैरह स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह मेमोरी होता है। हमारे ब्रेन में जैसे होता है कि हम कोई भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, यानी याद करके रख सकते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का मेमोरी भी वही चीज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड आर स्टोर्ड। जो भी डेटा हम कंप्यूटर में काम करते, कुछ भी काम करते, उसे हम स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे, मेमोरी में। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल, मेमोरी होता है, मेमोरी कंप्यूटर का मेमोरी होता है और छोटे छोटे पार्ट्स में बटे होते हैं, और जिस हर पार्ट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और इस सेल और लोकेशन हैज ए यूनिक एड्रेस, और जितने भी सेल होते हैं या फिर लोकेशन होते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक जगह में वो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ डज ए कंप्यूटर मेमोरी वर्क, कंप्यूटर मेमोरी काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी काम कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन ए प्रोग्राम इज ओपन इट इज लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जब भी कोई भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर में लोड करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज, क्योंकि मेमोरी तो कई टाइप के होते हैं, स्टोर पे कई टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी ए प्रोग्राम बीइंग मूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट ड्राइव टू रैम बी बिकॉज प्राइमरी स्टोरेज इज एक्सेस्ड फास्टर, द ओपन प्रोग्राम विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर प्रोसेसर एट क्विकर स्पीड। देखिए इसमें क्या बता रहा है, देखिए पहले तो क्या बता रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कुड बी ए प्रोग्राम बीइंग मूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट ड्राइव टू रैम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को सबसे पहले रैम में ट्रांसफर किया था क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज एक्सेस्ड फास्टर, प्राइमरी एक्सेस जो होता है जो भी स्टोर हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी में बड़े स्टोर में स्टोर करके रखते हैं वो चीज़ को कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी से सबसे पहले प्राइमरी में भेजा जाता है। फिर देखिए आगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का टाइप्स भी आगे क्या लिखा है, तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, तो कैशे मेमोरी, देखो कैशे क्या होता है कि दिस टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया नोन एज कैशे, ठीक है, एक टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर जिसे कैसे कहते हैं, इज मोर रेडली अवेलेबल टू द प्रोसेसर देन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। देखिए कोई भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन मेन मेमोरी से पहले ही कैसे में कोई भी चीज़ स्टोर हो सकता है। इट इज टाइपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टेड इन टू CPU चिप, ठीक है, क्योंकि वह CPU चिप के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। फिर देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर का सबसे मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होता है। हाउएवर द स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्राइमरी मेमोरी रिटेन द डेटा ओनली टिल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन, ठीक है। कभी भी कंप्यूटर में हम कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काम कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क बना रहे होते हैं, तो वो तब तक वो मेमोरी में जमा रहेगा जब तक करेंट रहता है। जो एक बार जैसे करेंट कट जाता है तो वो टास्क कंप्यूटर से हट जाता है, ठीक है। वंस द कंप्यूटर सिस्टम इज शट डाउन और रीस्टार्टेड द डेटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी गेट लॉस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि एक जब लाइट रहता है तब तक कंप्यूटर में वो कोई भी चीज़ स्टोर रहता है प्राइमरी मेमोरी वाला, ठीक है। जैसे ही लाइट चली जाती है वो जिसे वो भी स्टोर करके रखते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ जो मेमोरी को जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है उसे किस तरह से डिवाइड किया हुआ वो हमने इसमें बताया। प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड है, इसके बाद आगे भी डिवीजन किया हुआ है। आगे देखते हैं रैम। रैम क्या होता है, रैम में देखते हैं यहाँ पे रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे हमने लिख दिया। रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन कंप्यूटर ऑल द डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स। ठीक है, क्या तो रैम जो होता है कि कंप्यूटर में सबसे ज़रूरी डिवाइस होता है। ठीक है, कंप्यूटर रैम इज द मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम ऑन द टेम्प्रोरी बेसिस। रैम में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो टेम्प्रोरी बेसिस पर होता है। ठीक है, इट कैन बी रीड एंड रिटेन, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को लिखा भी जा सकता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, और ये टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ समय के लिए रहेगा उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ देखो रैम का बात कर चुके हैं, रोम का होता रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता, लेकिन ये होता है परमानेंट मेमोरी, यानी कि जितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और वो हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्रोग्राम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन सच एज बूटिंग अप स्टार्टिंग प्रोग्राम। रोम क्या था हमने बात कर चुके हैं, रोम का रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है और ये परमानेंट मेमोरी होता है और इसको हम लोग कई भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोम इज नॉन वोलेटाइल। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब क्या, इसके जो डाटा स्टोर करके रखते हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होता, वो स्टोर ही रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है, चाहे लाइट कट जाए चाहे कंप्यूटर को हम बंद कर दें, लेकिन वो जो हमने टास्क कर रहा था वो टास्क यहाँ पर स्टोर रहता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज द स्लोएस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। सबसे पहले कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी आ जाते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम स्लोएस्ट और चीपेस्ट कहते हैं, स्लो काम करता है और चीप रहता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू जो होता है सेकेंडरी मेमोरी वाले स्टोरेज इंफॉर्मेशन को तुरंत प्रोसेस नहीं करता है, पहले सेकेंडरी मेमोरी के स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही सीपीयू उस काम को कर सकता है। फर्स्ट इट मस्ट बी कॉपीड इनटू रैम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी एंड सीडी। ये जब हम जो एग्जाम्पल दिया है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। यह हमने एक डायग्राम लिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि वे फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जब हम लोग चलाते हैं तो बहुत कुछ होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, यानी कि ये सब कुछ चीज़ क्या होता है हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी कि वे चीज़ कंप्यूटर के वे पार्ट जिससे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो सब हार्डवेयर होता है। देखें वी कैन टच कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट, बात कर चुके पहले कि इसे टच कर सकते हैं। दीज आर प्राइमरीली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज टू बिल्ड अप द कंप्यूटर, यानी कि ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और ये सब को छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंप्यूटर ये सब के बगैर काम नहीं कर सकता। देखिए एग्जाम्पल कंप्यूटर हार्डवेयर आर, प्रोसेसर एक एग्जाम्पल हुआ, मेमोरी दूसरा एग्जाम्पल हुआ, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, कीबोर्ड हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, ये सब सारे हम लोग छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग हार्डवेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ हार्डवेयर भी लिखा हुआ है, हार्डवेयर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इत्यादि आता है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इनपुट करना होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस ये सब को कर सकते हैं क्योंकि ये सबको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस होता है, आउटपुट डिवाइस तो हमें बताया है कि कंप्यूटर जिस चीज़ से हमें रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में कौन 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 होता है रिजल्ट देता है, वो होता है मॉनिटर, दूसरा होता है प्रिंटर और स्पीकर भी होता है, तो ये सबको हम लोग आउटपुट डिवाइस कर सकते हैं।
फिर तीसरा देखिए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी कि ये सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जो हार्डवेयर के कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर का क्या क्या आता है, वो होता है सीपीयू, मदरबोर्ड, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर में होता है पाया जाता है ये सब, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हार्डवेयर देख लिया, अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हम लोगों ने देख लिया, अब सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड्यूर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोसीड्यूर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कि काम और कैसे काम करना है, इसको डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सारे चीज़ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या हमारा पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर दैट डायरेक्टली ऑपरेट विथ हार्डवेयर विच हैज़ द वर्क टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर दैट डायरेक्टली ऑपरेट विथ हार्डवेयर, यानी कि वे सब सारे चीज़ होते हैं जो हार्डवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या करें, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर होता है और यही सब कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से रिजल्ट देने हैं, तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्या क्या काम करता है, बेसिक जो काम होता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर होता है, एमएस वर्ड हम लोग जान भी करते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं, यानी कि जो लिखने वाला, उसमें एडिटिंग करने वाला, नए वर्ड डालना, वर्ड को बड़ा छोटा करना, ये सारे चीज़ जो होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर में आते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ये आखिरी